गुजरात का फेमस ढोकला का रेसिपी आज हम बनाएंगे हमारे झारखंडी स्टाइल में। हाय गाइस, आई एम मोहित एंड यू आर वाचिंग मोहित किचन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ढोकले की रेसिपी। जैसे होटलों में मिलते हैं ना, सेम उसी तरह हमारा भी बन। गाइस, आप इसे देखो, ये कितना स्पॉन्जी है। मैंने बहुत सिंपल सा ट्रिक यूज किया, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपका भी सेम ऐसे ही बनेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पे 200 ग्राम बेसन लेंगे, इसे मैंने छलनी से छान लिया है। यहाँ पर हम सबसे पहले कलर के लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच नमक भी डालेंगे और लास्ट में एक चम्मच पाउडर शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पे आप नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम पानी की सहायता से एक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमारा ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। बैटर में हम पानी धीरे धीरे करके डालेंगे ताकि हमारे बैटर में कोई भी लंग्स ना आए या कोई भी गुठलियाँ ना बने। सो मेक श्योर कि आप पानी इसमें धीरे धीरे करके ही डालें। हमें बिल्कुल इस तरह का बैटर बनाना है। अब इस ढोकले के बैटर में हम आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे। नींबू ऐड करने के बाद हमें बैटर को अब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहना है, यानी कि क्लॉकवाइज ही हमें घुमाना है, बिल्कुल इस तरह से। हमें बैटर का बिल्कुल ऐसा थिकनेस रखना है, आप देख लीजिए बिल्कुल ऐसा ही। इस स्टेज पे हम इसमें 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। इसमें आप सिर्फ रिफाइंड ऑयल ही ऐड करना, कोई भी फ्लेवर वाला ऑयल ऐड नहीं करेंगे हम। इसके बाद हम फिर से इसे 5 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाते रहेंगे। इसके बाद हम इसे सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ध्यान रखिएगा, हमें इसे ज़्यादा देर के लिए रेस्ट बिल्कुल नहीं देना है, सिर्फ 4 से 5 मिनट। तब तक हम एक इडली स्टीमर में पानी रख के उसे बॉईल होने के लिए गैस पे छोड़ देंगे और एक स्टील का ऐसा बर्तन लेंगे और इसे हम तेल से ग्रीस कर लेंगे ताकि बाद में हमारा ढोकला बिल्कुल इजीली से डिमोल्ड हो जाए। तो बैटर को रेस्ट दिए हुए 5 मिनट हो गया है। अब इसमें हम एक पैकेट इनो ऐड कर देंगे। हमें पूरा एक पैकेट इनो ऐड कर देना है क्योंकि हम इंस्टेंट ढोकला बना रहे हैं। तो इनो ऐड करते के साथ इसे हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि इनो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। हमें बैटर को बहुत ज़्यादा नहीं घोलना है, बस इतना घोलना है कि इनो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। आपका बैटर बहुत फ्लफी हो जाएगा इनो मिक्स करने के बाद। इसके बाद हम बैटर को तुरंत हमारा ग्रीस किया हुआ बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। बैटर को बर्तन में ऐड करने के बाद हम बर्तन को थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि अगर बैटर में कोई भी एयर बबल्स हो तो वो आराम से निकल जाए। इसके तुरंत बाद ही हम बैटर को स्टीमर में स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। हम ढोकले को स्टीम होने के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो इसके ऊपर आप कवर भी लगा दीजिएगा। 20 मिनट बाद कवर हटा के एक चक्कू की मदद से हम चेक कर लेंगे हमारा ढोकला रेडी हुआ है कि नहीं। चक्कू अगर बिना चिपके हुए बाहर निकल जाए तो आपका ढोकला बिल्कुल रेडी है, और अगर चक्कू में आपका ढोकला चिपक रहा हो तो आप ढोकले को थोड़ी देर के लिए और स्टीम कर लीजिएगा। अब हम ढोकले को स्टीमर से निकाल के ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसका तड़का बना लेते हैं। तो तड़का बहुत ही सिंपल है बनाना, चलिए देखते हैं कैसे ये तड़का बनता है। कढ़ाई में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे और ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 चम्मच राई ऐड कर देंगे, यानी कि ब्लैक सरसों, और थोड़ा सा इसे सीजनिंग होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे और 3 से 4 हरी मिर्च टुकड़ों में कटी हुई भी ऐड कर देंगे। सारी चीज़ को एक बार मिला देंगे और फिर इसमें हम 1/2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद इसमें हम लास्ट में 2 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे और इसके तुरंत बाद ही 1 छोटा चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर देंगे।
उसके बाद हम एक बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारा तड़का यानी कि हमारा चाशनी बिल्कुल रेडी है। तो ढोकला हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम ढोकले को डीमोल्ड कर देते हैं। इसके लिए आप चक्कू को एक किनारे से जोड़ते हुए दूसरे किनारे तक मिला लीजिएगा। इसके बाद आप अपना एक हाथ ढोकले के ऊपर रखिएगा और दूसरे हाथ से पीछे से टैप करिएगा। आपका ढोकला बिल्कुल इजीली निकल जाएगा, देखिए जैसा मेरा निकल गया है। इसके बाद हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे। गाइस, ऑयल लगाने से बहुत इजीली ढोकला डीमोल्ड हो जाता है, तो आप देख सकते हैं हमारा ढोकला कितना स्पॉन्जी है और कितना जालीदार है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह होटलों में होता है। तो अब हम हमारे ढोकले को स्क्वायर साइज में कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर में जो तड़का बनाए थे वो ऐड करेंगे। तो आप पूरा तड़का ऐड मत करिएगा, आधा तड़का ऐड करिएगा और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दीजिएगा ताकि ढोकला चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। गाइस, बहुत सिंपल सा रेसिपी है, आप घर में बचे हुए सामान से बहुत ईजिली ये इंस्टेंट ढोकला बना सकते हैं। तो 10 मिनट के बाद इसे आप एक सर्विंग प्लेट में निकाल लीजिएगा और लास्ट में जो बचा हुआ चाशनी था इसे इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिएगा। दैट्स इट, आपका ढोकला बिल्कुल रेडी है। तो गाइज, है ना बहुत ही सिंपल सा ये ढोकला का रेसिपी। तो वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा मोर अपडेट्स के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और छोटे से रेसिपी के साथ। थैंक यू।